थोड़ा सा सर्दियों का मौसम हो और बहुत धीरे धीरे से बारिश हो जाए, दैट्स लाइक द बेस्ट मौसम फॉर मी. कभी कभी हमने सोचा कि हम नॉर्थ ईस्ट में कर लेते हैं, सिक्किम साइड कर लेते हैं, कभी सोचा गोवा में कर लेते हैं, बट फिर फाइनली हम लोग बैठे और हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों को पहाड़ पसंद है. We first checked Masuri, we then went to Shimla, and then we came to Nainital. और आप यकीन नहीं मानोगे, मसूरी, शिमला और नैनीताल, ये तीन जगह हमने 3 दिन में कवर करी हैं. मुझे नेचर इन सब में कनेक्ट रहना बहुत पसंद है. वो माउंटेन रेंज जो दिखा ना, I was like so happy and there were clouds, like this is the place. So balcony से व्यू एंड ऑल, वो फॉग मेक्स मी लव माउंटेन्स. बारिशों से आती हो तुम, ठहरो जरा, बैठो ना तुम. So the first sight of Aditi was she was doing a small play. Then I was like, this is the girl. I don't know what happened to me. I knew that at that point that this was the person. बारिशों से आती हो तुम, ठहरो जरा, बैठो ना तुम. सर से पैर भीगे हुए और कोई नहीं, बस तुम और हम. तू पास तो अपना सा लगे, ये सारा जहां सपना सा लगे. ये बारिश का असर या फिर जादू है. Has basically all the qualities which I think I would want my partner to have. She's very responsible. She's literally selfless. She never expects anything from me. Maybe she expects only my attention probably, but that is what I have to give myself as well. Like, she's my partner. अभिषेक हैज दिस अनडिवाइडेड अटेंशन टुवर्ड्स मी. जितना डाउन टू अर्थ वो हैं और जितना हम्बलनेस उनमें है, और वो जितना अटेंशन मुझे देते हैं जो मुझे चाहिए, इनफ है. Basically, my family is Orthodox South Indians. It took me literally 8 to 10 months to rishta ko pakka karne ke liye, basically.
I had to explain them each and everything that I had to give many examples what happened in their home. And then immediately, I think in a week or so, December, May, they came to Hyderabad and Tika ho gaya tha. I was like, okay, finally, this is happening. And then Aditya and me was so happy. हमारे यहाँ दादी को अम्मा बुलाते हैं और मैं अपनी दादी को अम्मा ही बुलाती थी तो बट मैंने स्टार्टिंग से ही उनको बोल दिया था कि जो आप बुलाओगे मैं उसी की आदत डालूंगी सो दैट उनको ऐसा ना लगे अगर मैं मम्मी बुला रही हूँ तो उनको बहुत डिफरेंट लगेगा तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि जो जैसे जैसे वो बुलाते हैं ना मैं वही सेम बुलाऊंगी तो उनको ऐसा ना लगे कोई डिफरेंट पर्सन आ गया है दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे बुआ जी मैं शीशा मतलब मिरर से बारात आती हुई देख सकती हूँ क्या ठीक है ई मिल गई परमिशन सुनो कनमनी शहनाई से बाजे रे सावन सावन तेरी आँख में बांधनी से केसर महके रेशम रेशम लागे रे दिल चंपई चंपई बांधे सिंदूरी से धागे रे Terima kasih.